नमस्कार, मैं आपके साथ शम्स और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज हम आपको बताएंगे कि कानपुर में हिस्ट्री शीटर शाहिद पिच्चा की पुलिस से मुठभेड़ हुई, पैर पैर गोली लगी। जी हां, चमनगंज का हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधी शाहिद पिच्चा और उसका साथी अन्नू पिस्टल की सोमवार देर रात रेल बाजार पुलिस ने मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चली। अपराधियों के पैर पर गोली लगने से दोनों घायल हो गए। वहीं उनका तीसरा साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। बीते दिनों वर्चस्व की लड़ाई के चलते शबलू गिरोह के सुभान रायनी से चमनगंज में शाहिद पिच्चा और उसके साथियों का विवाद हुआ था। कुछ दिन बाद पिच्चा ने सुभान को गोली मारी थी। गोली उसके दाएं पैर पर लगी थी। इस मामले में बेनर गंज थाने में शाहिद पिच्चा समेत 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। बेनकगंज पुलिस इस घटना के बाद से ही पिच्चा की तलाश कर रही थी। सोमवार रात करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि शाहिद अपने साथी अन्नू पिस्टल और एक अन्य के साथ क्रेटा कार से चकेरी की तरफ जा रहा है। पुलिस ने COD पुल के पास नाकाबंदी की। इस दौरान बेनकगंज के अलावा रेल बाजार पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस को देख शाहिद पिच्चा ने पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायरिंग करनी चालू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसकी और अन्नू के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही कार और 30 mm पिस्टल बरामद की। उनका तीसरा साथी भागने में कामयाब रहा, लेकिन दो साथियों को पुलिस ने घायल कर दिया। उनके दोनों के पांव में गोली लगी। इंस्पेक्टर रेल बाजार रवि श्रीवास्तव बताते हैं कि दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों के पास से पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो दोस्तों, ये है पिच्चा की कहानी। और इसी कहानी के लिए अब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर दें।